वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. बड़ी खुशी हो रही है मुझे बात करते हुए. बात जी होगी अब खेल के मैदान से, और तो खेल के मैदान से होगी पीएसएल की बात, और जो बहुत सनसनी खेज मुकाबले हुए. हुए और प्ले ऑफ मैचेस के बाद एलिमिनेटरी मैचेस भी मुकम्मल हो गए. मैं बहुत खुश हूँ भाई. मुझे इन्होंने इतना तंग किया था लाहौर कलंदर्स के निकलने पे, तो आप देखें जरा कितना फाइनल में आके लीग की सबसे टॉप की टीम खेलती आ रही है, अच्छे अच्छे मैचेस जीती आ रही है. और कल आप सबने ये तमाशा देखा. एंड आई वुड ऐड, ना लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स में, ना कहीं उनका जिक्र. आप किस खुशी में खुश हो रहे हैं? चलें रुके जरा मिर्जा साहब, चले लाहौर कलंदर नासी हो रहे हैं. कल के मैच के स्टैट्स बता. नहीं, अच्छा मिर्जा साहब छड्डो परा सारा कुछ, ना इस्लाम लाहौर तो छोड़े, इस्लामाबाद भी नहीं रहा. क्या आपके क्या तासुरत है? आपने भी वैसे कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट कहा था. सारे पंडित ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट कहा था, लेकिन वो कहते ना ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो लोग परेशान है कि हुआ क्या, ये सब परेशान है. लेकिन ये तो इमरान पोठारी साहब जो है वो अच्छा कर सकते थे, हमारे गुलकार दोस्त. ये ऑन एयर नहीं था टाइटल पहले, अभी आपने बता दिया. अच्छा चले. लेकिन ये हुआ कि वाकई में कल आउट क्लास कर दिया पेशावर जलमी ने. मैं कल आपको कह रहा था कि प्लानिंग का बड़ा फर्क पड़ेगा, और इनकी प्लानिंग बुरी तरीके से नाकाम हुई. जो टीम हारी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जोहान बोता सईद अजमल सब थे, लेकिन वहां पर डैरन सैमी ने जो अग्रेसिव अप्रोच अख्तियार की थी, मैं समझता हूँ उसकी वजह से कामयाबी हुई. और हजरतुल्ला जज़ई, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पक्तिया से है, उन्होंने वाकई में पका के रख दिया. जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जी, वो तो कल पता चला है. जी कल उन्होंने बताया ड्राई फ्रूट, वो T20 और वनडे में नुमाइंदगी कर चुके हैं अफगानिस्तान की, एक सेंचुरी भी बना चुके हैं, और कल उन्होंने किस तरीके से धोया हर कोई हैरान. लेकिन था एक बात मुझे मिर्जा साहब समझ नहीं आ रही ना, ये जो कलंदर्स फैंस हैं, इनकी अपनी टीम प्लेऑफ्स में भी नहीं आई. इस्लामाबाद के हारने पे इतनी ज्यादा मुझे हजम नहीं हो रही है. मतलब तसल्ली हुई है जितनी मैंने बेइज्जती आप सबसे कराई है ना लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने. और फॉर्मूला ये कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, मतलब ये कितनी गलत बात है. इस पे जरा कोई जरा कमेंट करें, मुझे आपका कमेंट चाहिए इस पे. लेकिन वही है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी नहीं डूबे. तो डूब गए लेकर इस्लामाबाद को. लेकिन इस्लामाबाद वेरी वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. नहीं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कल आप भी ये बात कर रहे थे, और सभी एक्सपर्ट्स इससे मुत्तफिक थे. इनफैक्ट मैं दीगर चैनल्स पे भी जब देख रहा था, तो ये हुआ क्या, दो प्लेऑफ्स दोनों बड़े मैचेस के अंदर इस्लामाबाद की टीम तो बड़े मैचेस की टीम है, कोलैप्स कर गई मतलब ऐसे. और कल का मैच हमने देखा कि शुरू में एक विकेट गिरी तो ऐसा लगा जैसे ऊपर नीचे, लेकिन आपने देखा कि जब 24 रन थे तो उसमें तकरीबन 16 रन एक्स्ट्रा के थे और 8 रन उसमें बैट के थे. तो ये इस रवैये पे क्या कहेंगे आप इस्लामाबाद के? देखिए एक तो इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन वो दुरुस्त नजर नहीं आया. शादाब खान खुद ऊपर आ रहे थे, कल भी मैंने आपको कहा था जोश जगाने में कि शादाब खान को ऊपर नहीं आने चाहिए, कल भी वो ऊपर आए. और जिस तरीके से उनकी बॉलिंग में पिटाई हुई, आप देखें ना कि 4 ओवर में तकरीबन 54 रन दिए शादाब खान ने, बहुत उनकी पिटाई हुई. जो कप्तान फ्रंट से लीड करता है, अब उसके मुकाबले में आप वहाब रियाज की परफॉर्मेंस देख लें, उसने पहला ओवर प्लानिंग के साथ है. नहीं वहाब रियाज ने इतने रन नहीं खाए, 2 विकेटें ली उसने, और शाहनवाज दहानी के बाद वो 18 विकेटों के साथ, दहानी की 20 है, वहाब रियाज की 18 विकेटें हो गई है. और उसने क्या प्लानिंग उन्होंने की कि शोएब मलिक से शुरू कराया कि कॉलन मनरो पर चांस ले लो, और कॉलन मनरो का 40 रन पर कैच गिरा, लेकिन 4 रन के बाद वो आउट हो गए. जिस तरीके से हसन अली ने डूबती हुई नाव को सहारा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वरना 110 पे 7 आउट हो गए थे. और आखिरी 5 ओवर में 64 रन बने इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. और हसन अली ने जिस तरीके से 16 गेंदों पर रन स्कोर किए, लग रहा था कि कॉम्पिटेटिव टोटल होगा. लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो इरादे ही कुछ और थे, ऐसा लग रहा था कि बच्चों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग वो बैटिंग कर रहे हैं और बच्चे बॉलिंग करा रहे हैं, और उन बच्चों की उन्होंने दिल खोल कर पिटाई की. आंसू आ जाएंगे मेरे पर, अपना सवाल कर लो. आंसू भी नहीं, ये मिर्जा साहब जो आप सिचुएशन बिल्ड करी, यकीन मारे बस अभी मैं बिल्कुल एंड पे. मेरे तो खुशी से आ गए. अच्छा चले ये तो हो गया, अच्छा मैच हुआ, अच्छी क्रिकेट हुई, और हम खुश इस बात पे हैं कि पीएसएल 6 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट मैच बाकी है, और हम डेली तबसरा भी शाम 5 से 6 करते हैं जोश जगादे में. जलमी की परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि वाज द पॉइंट जिसके ऊपर, या वाज द फैक्टर जिसकी वजह से ये मैच इस्लामाबाद से गया? इस्लामाबाद आप कह रहे हैं उतना बुरा नहीं खेला, जलमी ज्यादा अच्छा खेला, ये कह रहे हैं आप मिर्जा साहब? बिल्कुल जलमी जो है वो खेले ही ज्यादा अच्छा.
खुशी का कोई ठिकाना नहीं है लोगों की, लेकिन जलमी खेले ही बहुत अच्छा। अगर अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो जलमी ने आउट क्लास कर दिया। ठीक है। बड़ा टारगेट उन्होंने इतनी 16 गेंदे कबल उबूर कर लिया। और जलमी की परफॉर्मेंस देखें इमरान, जब से 2016 से पीएसएल शुरू हुई है, ये चौथा फाइनल है जो पेशावर जलमी की टीम खेलेगी। एक दफा वो जीती है 2017 में जब क्वेटा को उन्होंने लाहौर में हराया था फाइनल में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो गियर अप हो गए और एक बड़ा कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेज पेशावर जलमी। अच्छा मेरे से बताएं फिर आपने अब किसको सपोर्ट करना है, मुल्तान सुल्तान या पेशावर जलमी? देखिए अब तो मैं पेशावर जलमी को करूंगा क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो हरा कर आई है और पेशावर जलमी ने एक टॉप टीम को हराया है जो टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और मैं पहले भी आपको कह रहा था, लाहौर कलंदर्स के बारे में भी कहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के डिप जरूर आता है, जब परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जाती है तो कभी ना कभी नीचे की तरफ जरूर आती है। और ये दो मैचेस इस्लामाबाद को ले डूबे, दोनों मैचेस में वो हार गई और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह आपका तजिया सुन के हम वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं और आज तो बहुत ही मजा आया मुझे। और मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, शाम को 5 से 6 भी हम तजिया करेंगे। आज बस यही बात, ये तजिया नहीं करेंगे, तंज करेंगे खाली। 5 से 6 भी अगर आपने देखना हो तो मुझे तो हंसी आ जा रही है। अच्छा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं।